व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज आपका भाई ऐसे ऐसी ब्रीडें दिखा देगा ना आपको, ऐसे ऐसे डॉग्स दिखा देगा ना जो आपने किसी चैनल पर ना देखी होगी और ना ही सोची होगी। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ भाई, जो आज हमें सारी ब्रीड से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ना, उन भाई से। चलो मिलवाता हूँ आपको। और राहुल भाई कैसे हो आप भाई? आपको राम राम हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ को सबसे राम राम। तो भाई आज आप हमें स्पेशली क्या क्या दिखाने वाले हो आज आप? भाई हम बुलडॉग दिखाएंगे, केन कॉर्सो दिखाएंगे, फ्रेंच बुलडॉग दिखाएंगे आपको, ठीक है, अमेरिकन बुली एक्सेल साइज दिखाएंगे, मर्ल। ठीक है, मतलब भैया दिखाने वाले हैं, मतलब पूछो मत। एक्सोटिक बुलीज, एक्सोटिक फ्रेंच बुलडॉग, सबसे खतरनाक केन कॉर्सो, मतलब भाई सोची ना होगी यार, ऐसे ऐसे डॉग दिखने वाले हैं भाई ये। देखो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ पीछे डॉग कैसे मजे काट रहे। ये देखो भाई सबसे खतरनाक डॉग, ये देखो भाई सबसे खतरनाक वाला डॉग, देखो भाई कैसे एकदम मस्त। भैया इसका नाम क्या भैया वैसे? तो स्मिथ है इसका नाम, प्यार से कालू बुलाते हैं। भाई कालू? भैया मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं से कालू ये। अरे मस्त है भैया, मस्त। और भैया ये काफी अलग सा कलर लग रहा है भैया, कौन सा कलर है ये? ये मार्ल है भैया। अच्छा इसे मार्ले कलर कहते हैं भैया? ओ भाई, मतलब मैंने सुना भैया काफी एग्जॉटिक रेयर कलर, रेयर कलर है ना ये मार्ले का? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताओ भैया, ये कैसे होता है, मतलब क्या है इस ब्रीड का खासियत और ये कलर कैसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है? कलर है, एक पैटर्न होता है मर्ल बेसिकली। ओके तो ये मर्ल, और देख लो भाई सारे इकट्ठा हो गए भैया के साथ, कह रहे हैं मेरे बारे में पहले बताओ भैया, एक एक करके भैया इनके बारे में सबके बारे में बताओ भैया। इसका नाम क्या है भैया? ये निम्मी है। अच्छा ये मिनी है, निन्नी, एन आई एन आई एम आई एम आई। और ये भैया जो पीछे ये छोटी सी, ये मिनी जूनियर है, ये मिनी जूनियर है। और इसका नाम मारने वाले का भैया नाम क्या है? ये कार्डी बी है इसका नाम। कार्डी बी? ओ भैया क्या है, फिर से बता रहे भैया क्या नाम है इसका? कार्डी बी। मतलब भाई जो हमने डांस वगैरह जो फेमस आर्टिस्ट है ना कार्डी बी, कहीं वाली थी उसी पे नाम रखा है भैया। सही कह रहे हो भैया, मस्त भैया, बहुत शानदार, तो बहुत शानदार, मतलब तरीके से अच्छे से रखा है। ये जैनी है। ओके भैया ये जो हमारे पीछे है ये जैनी है, वो नहीं ये है जैनी, ये आदित्य चौधरी है भाई। अच्छा ये जैनी है भैया, है ना, ठीक है। वैसे भैया बेसिकली इन ब्रीड के अंदर जो ब्रीड इतनी खतरनाक है, ये खतरनाक होती है नॉर्मल है भैया? नॉर्मल ब्रीड है, बस दिखने में खतरनाक है। हाँ देखने में खतरनाक है, पर फिर भी गार्ड करते हैं, स्टबर्न डॉग हैं, बहुत करेजियस होते हैं, पीछे नहीं हटते ये डॉग। अच्छा अच्छा, लेकिन वैसे बहुत एक्टिव। लेकिन भैया मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, नुन्नू मुन्नू से लग रहे हैं, जैसे मेरे घर में मेरा मस्तू है ना वैसे ही लग रहे हैं, नुन्नू मुन्नू से एकदम। नया कोई मिलता है तो थोड़ा एक्साइटेड होते हैं ज्यादा, अब थोड़ी देर देखो घूम लिए तो अब ये नॉर्मल हो गए, घूम रहे हैं अपना आराम से। भैया वैसे मैंने सुना है ब्रीड बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्या सच्ची बात है ये? इस ब्रीड भैया कितनी एक्सपेंसिव होती है, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रीड है भैया ये? उनमें से एक ब्रीड है ना भैया, मतलब दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव। भैया क्या बताया अभी आपने, इसके क्या प्राइस होते हैं? ये भैया प्राइसिंग में तो चलते हैं वो 1 लाख से लेके, और 1 लाख 3-4 लाख तक भी आते हैं, 3-4 लाख। ओ भाई मतलब ये देख रहे हो डॉग, बेसिकली ये डॉग 3-4 लाख रुपए महंगा। ओ भाई ये मतलब टोटल देख गिन लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब भैया के पास टोटली अभी अराउंड बुलडॉग की बात करें तो 10 लाख रुपए के डॉग है। ओ मतलब ये तो यूट्यूब हिस्ट्री हो गई भाई, 10 लाख रुपए के डॉग सेल पे नहीं, सेल पे नहीं लेकिन आपने 10 लाख रुपए सिर्फ एक ब्रीड पे लगा दिए। प्राइसिंग फैक्टर चलता है ना वो पूरे वर्ल्ड आपसे चलता है। ओके बाहर विदेशों में देखोगे तो इन डॉग्स के जो स्टार्टिंग प्राइस है वही आपके $5,000-7,000 से स्टार्ट होता है वहाँ पे बच्चा। जहाँ पे इंडिया के अंदर 1-2.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको बहुत अच्छा एग्जॉटिक बुलडॉग मिल जाएगा, इंग्लिश बुलडॉग, और बाहर जो है बाहर तो कोई सीमा ही नहीं है रेटों में। ओ भैया यार बड़े मजा आ गया इन ब्रीड को देखने के बाद भैया, सही है भैया। वैसे भी इनकी डाइट में क्या 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 डॉग होते, फूड वगैरह खिलाते हो? डाइट भी इनकी बहुत महंगी रहती होगी? ऐसा नहीं है,
ऐसा होता है कि इनकी ब्रीडिंग वगैरह जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है भैया। डाइट तो ऑलमोस्ट सभी कुत्ते उसी तरह की खाते हैं भैया। मैं तो यार ये ब्रीड देख के ऐसा दीवाना हो रहा, मन कर रहा भैया कि भैया यहाँ से चोरी करूँ और फटाक से निकल जाऊँ। खैर ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे घर पे मस्तू है, वो मुझे मार डालेगा क्या भैया कहाँ से ले आया दूसरा। खैर चलते अब दिखाते भैया की तरफ से दूसरी ब्रीड, चलो चलते हैं। भैया ने मतलब ऐसी चीज दिखा दी और ऐसी चीज दिखा दी, मतलब मजा आ गया। भैया कौन सी ब्रीड होने वाली है नेक्स्ट? ये फ्रेंच बुलडॉग है भैया। ये फ्रेंच बुलडॉग, ये फीमेल है, ये फीमेल है। ये जो शरारती सी चुलबुली सी है ये फीमेल है, और ये बिल्कुल शांत स्वभाव का मेल है। मतलब ये इंसानों वाले रीति रिवाज ले रहे हैं ये, मतलब जैसे इंसानों में होता है लड़कियां एकदम चुलबुली और लड़की एकदम शरीफ से। शर्मीला है हमारा। अच्छा अच्छा शर्मीला है ये लड़का, शर्मीला है। ओ भाई देखो, मतलब प्रूव कर दिया, ये आ गई मेरे से भाई शिकायत करने आ गई कि भैया तुम लड़कियों की बुराई कैसे कर रहे हो। मतलब सारी लड़कियों वाली आदत है भैया इनमें। वैसे भैया बेसिकली ये जो ये कलर है, वैसे इस कलर को हम क्या कहते हैं भैया? बहुत फ्रेंडली है भैया डॉग तो। वैसे ये क्रीम है, ये क्रीम कलर है, और वो ये मार्ले, ये मार्ले कलर है, ये फोन मार्ले है, ये इसका भाई है। अच्छा ये दोनों भाई है, ओके ओके। भाई को चोट लग गई थी, ये देखो भैया को कैसे, भैया की किस्सी ले ली इसने तो है भैया, फ्री में किस्सी ले गई ये। ओ भाई वो जनाब तो लोटी पोटी मारने लग गए देखो। और ये देखो, ये देखो भैया का प्यार। ओ भाई इसे कहते हैं प्यार। ओ भाई एकदम मस्त डॉग है भैया, ये मस्त कलर है। वैसे भैया फ्रेंच बुलडॉग में काफी कलर आते हैं ना भैया? बहुत कलर आते हैं बेसिकली। एक्चुअली हम ब्रीड नहीं करते इनको, ये तो हमारे पास अमानत है किसी की। अच्छा अच्छा। मेरे फ्रेंड है, उनके घर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो ये हमारे पास रह रहे हैं। ओके 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 ओके। बस ये हमारे पास रहते हैं एज अ पेट रखा हुआ है इनको तो। लेकिन भैया बहुत अच्छे से रखा है, बहुत प्यार देते हो आप है ना, बहुत ख्याल भी रखा हुआ है आपने, बहुत अच्छे से रख रखा है, ये बात तो है। वो मुझे, वो भैया आपकी है, वो आपकी पर्सनल स्टोरी है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ ना भैया ने बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से इनको रख रखा है। बेसिकली भैया ये फ्रेंच बुलडॉग बहुत ही, मैंने सुना है बहुत शैतान होता है ये, है ना? शैतान बहुत। ओ भाई, ओ भाई देखो एक मेरे बगल में देखो चुलबुली सी। ओ भाई शैतान भी होते हैं, भौंके भी। ओ भाई ये क्या करना चाह रही हो भाई? ओ भाई, 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 ये तो मेरे गोद में ही आ गई। वैसे भैया मजा आ गया इस ब्रीड को देखने के बाद, है ना? वैसे भैया इस ब्रीड को, वैसे एक बात तो देख गया मैं इस ब्रीड को लेके, है ना भाई? मैंने पाला भी है फ्रेंच बुलडॉग, लेकिन आज दोबारा आपके पास देख के लग गया कि भाई मेरा और एक्पा एक्सपीरियंस है ना सेम रहा होगा। ओ भाई फ्रेंच बुलडॉग का प्यार। वैसे एक बात है, फ्रेंच बुलडॉग के बारे में मैंने एक चीज फील करी है जो हमेशा खुद से ऑब्जर्व करी है, ये छोटे बच्चों की तरह इंसानों के साथ रहता है। जैसे छोटे बच्चे गोद में आके रह रहे हो, ये देखो जैसे जैसे ये देखो आदित्य के पास, आदित्य छोटे बच्चे की तरह गोद में ले लिया है। आदित्य कैसा फील आ रहा भाई? बच्चों की तरह पापा ड्यूटी से आते हैं ना, हाँ उसके बाद सारे बच्चे आते हैं। पापा, भाई ने तो खतरनाक ही बात बोल दी, पापा मम्मी बस सब मतलब फैमिली बसा ले तू। सही है भाई, अब चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट ब्रीड की तरफ, है ना? वो भी ऐसी बिल्कुल हैरतअंगेज अमेजिंग होने वाली है, मजा आ गया। कमेंट करके बताओ भाई ब्रीड को देख के कैसा लगा, कमेंट करके बताओ ताकि हमें। तो भाई यार आपने और डॉग्स तो देख लिए, पर लेकिन अब जो दिखाने वाला हूँ ना, अब जो दिखाने वाला हूँ दावे से कह रहा हूँ भाई, पूरे यूट्यूब इंडिया के यूट्यूब डॉग लवर्स हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। दावा कर सकता हूँ ना उस पर कि वो अभी तक पूरे इंडिया के यूट्यूब हिस्ट्री में नहीं आया है। नहीं, ये हमारा एक्सेल में अमेरिकन बुल्ली नहीं देखा कहीं भी, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा होगा भैया। मैं खुद कह रहा हूँ भैया कि ये ब्रीड जो भी देखी है ना मैंने, वो भाई मैंने देखी नहीं आज तक किसी के चैनल पे, मतलब इंडिया का सबसे खतरनाक डॉग भैया लेके आ रहे हैं। देखो यार ये, वो भाई दिखने में देखो यार कितना बड़ा डॉग, कितना बड़ा डॉग है भैया यार ये, कितना बड़ा। ओ भाई देखो बगल में आदित्य खेल रहा है इसके बच्चे के साथ। भाई तेरे को उड़ा देगा कहेगा। भैया यार बेसिकली यार क्या पैट है आपका, एकदम गजब का पैट है भैया। yes. वैसे बेसिकली भैया इस ब्रीड, ये ब्रीड कौन सी है बताओ भैया पहले? ये भैया अमेरिकन बुली है, मार्ल है, ब्लू मार्ल एक्सेल साइज है। तो ये ब्लू मार्ले कलर है,
एक्सल साइज का बुली है, अमेरिकन बुली है भैया है ये, मतलब इंडिया का फर्स्ट डॉग है भैया देखो यार। और इसका ये जो बगल में ये इसका पपी है, इसका पपी है। ओ भाई पपी देखो यार क्या कलर है, ये मार्ले कलर है भैया है, मार्ले कलर है। एक शॉट दिखाता हूँ मैं, ये मेरा हाथ है। हाँ हाँ इसका हाथ दिखाता हूँ। ओ भाई भग गया, ये तो भग गया, दिखा भाई। ओ भाई बच्चे का बोन साइज देखो, मेरा हाथ और इसका हाथ। ओ भाई क्या ओ भाई खतरनाक, मतलब बच्चे की बोन साइज एकदम खतरनाक है। बेसिकली भैया ये डॉग आपने ब्रीड किया या इम्पोर्ट किया है? ये भैया हमारे फ्रेंड है एक, हाँ उनके साथ हमारे साथ कोन में है, ये ओनरशिप में है और ये बाहर चाइना से आया हुआ है। ओके ये चाइना से इम्पोर्ट हुआ है डॉग। भाई इसकी लेंथ देखो, लेंथ एकदम खतरनाक है राहुल भैया है। वैसे भैया बेसिकली ओ भाई भैया ने देखो यार स्टैग में लगा दिया अपना डॉग, और ये देखो भाई इसकी लेंथ देखो एकदम मस्त। वाह भैया यार एकदम शो क्वालिटी है भैया। वैसे बेसिकली भैया इस ब्रीड को देखने के बाद तो भैया मैं बुली पालता हूँ, टाइगर वाली फीलिंग आ रही है। अब बात है देखो, अब सनलाइट में अलग ही दिखता है डॉग भाई, शाइन कर रहा है एकदम, उसका कोट है ना एकदम मस्त शाइन कर रहा है, बहुत अच्छे से बात मानता है, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है डॉग का। ओ भाई देखो आप भाई, अब हर बंदा इंडिया में तो हर बंदा अब सोचेगा ये लेना है भैया, लेना है डबल एक्सल। डबल एक्सल नहीं भैया, ये एक्सल बोली है ना है, लेकिन भैया साइज तो पूरा डबल एक्सल की तरह लग रहा है इसका, सच्ची बता रहा हूँ, ऑनरशिप रिव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। 24 इंचेस तो भैया डबल एक्सल की कैटेगरी में ही आ जाता है भाई, यहाँ से आप एक्सल कहो लेकिन डबल एक्सल की कैटेगरी में आ जाता है। और इसका बेबी देखो भैया, इसके बेबी के साथ खेल रहे हैं, ये है डॉग, ये है बेबी। ये भैया पहला बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है ना, अभी माल इसका और इतना हैवी है भैया, से उठ भी नहीं रहा है ये इतना हैवी बेबी है भैया, बच्चे से भैया से तो उठ भी नहीं रहा अच्छे से। क्या लुक है डॉग का, ओ लाजवाब हिला दिया, हिलाड़ क्यों हिला डाला ना यहाँ तो यस पे सच्ची में बड़ा मजा आ गया। इंडिया का पहला अमेरिकन बुली मार्ले का प्रोड्यूस इंडिया में। बेसिकली भैया क्या आप इसे देना चाहोगे किसी फैमिली को? You serious? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा कोई देगा तो बिल्कुल। भैया का कहना है कि अगर कोई अच्छी फैमिली इस पप को लेना चाहे तो भैया उसे देंगे। तो अभी और भी आने हैं, और भी पप्स ऐसे आने, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, देख के कैसा लगा इसके बारे में बताओ। भैया सबसे एक्सपेंसिव है ना आज का अपना, सबसे एक्सपेंसिव डॉग किसी के पास नहीं मिलेगा ऐसा डॉग भैया। यार देखो इतना बड़ा फेस है इसका यार, इतना बड़ा। प्राइस के डॉग का प्राइस क्या है? प्राइस डॉग का प्राइस क्या है? 5 करोल है। झूठ बोल रहा है। 5 करोल ये क्या बोल दिया भाई भाई फैंटम नाम है तो क्या फैंटम का प्राइस लेके चल रहा है ये भाई? फैंटम नाम भी है और भाई देख लो प्रोड्यूसिंग भी है। लैम्बोर्गिनी पैदा हुई है भाई, लैम्बोर्गिनी है सही में यार। अब जो ब्रीड दिखाने वाला हो ना भाई, ब्रीड को पालने वालों का रोला ही अलग होता है, रोला देखो यार। तो भैया अब भैया अब जो ब्रीड दिखाने वाले हो ना, इस ब्रीड के बारे में बताओ भैया। केन कोर्सो ब्रीड है भाई, केन कोर्सो। भैया इसने तो रोला जमा दिया, कतई रोला। ये हमारा मेन स्टड है, बच्चा है। ओ भैया ये बच्चा कहाँ से है? ये बच्चा नहीं है भैया। अच्छा भैया एक बात बताओ, वैसे ये ब्रीड मैंने सुना भैया बहुत 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 ताकतवर ब्रीड होती है, मतलब इस ब्रीड को अगर हम है ना, अगर हम इस ब्रीड ना पड़ोसी बिस्तर से गिर जाते हैं, ये सच्ची बात है क्या भैया? है भैया बहुत हैवी थ्रोट है, इतना बड़ा गला होता है, जब इससे आवाज निकलती है तो ऐसे ही लगता है लाउड स्पीकर से आ रही है, तो अलग एक साउंड है। क्यों हिला डाला ना? और दूसरी चीज ये है, ये जो ब्रीड है ना इसमें जेनेटिकली गार्डिंग के लिए बनी है ये ब्रीड, इसको सिखाना नहीं पड़ता कि गार्ड कैसे करना है।
भैया इसको इसको सिखाने की तो मुझे कहीं से कोई जरूरत ही नहीं लगती, ये तो पढ़ा पढ़ाया इसको दे। मैं सच्ची बता रहा हूँ भैया, इस डॉग को है ना अगर पब्लिक में कोई देख ले ऐसे ही, वो ऐसी पैंट में सुसु कर देगा। इतना खतरनाक है भैया, इतना खतरनाक, क्या बात है यार, खतरनाक है। इनकी अपीयरेंस इसीलिए ऐसी होती है। लेकिन भैया बहुत अभी मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मैं इसके सिर पे भी हाथ फेर दे रहा हूँ। देखो यार, सिर पे भी हाथ फेर दिया, कुछ नहीं कह रहा, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। ये इसलिए है क्योंकि इसको रेज ऐसे किया हुआ है हमने, बहुत अच्छे से पाल रखा भैया। ये आइडियल है एक, आप जब हम अच्छा प्रेजेंट करते हैं किसी भैया, वैसे इनकी ये इतना बड़ा डॉग है, इसकी डाइट भी बहुत तगड़ी होती होगी ना भैया? हाँ, डाइट बहुत अच्छी डाइट है। दिन में एक बड़ा इसके जैसा मेल 1 किलो से ऊपर चिकन खा लेता है। 1 किलो चिकन? ज्यादा भी खा लेता है। ज्यादा भी? ओ भाई, एक टाइम में 1 किलो चिकन खाते हैं ये भाई साहब, क्या बात है। अच्छा भैया, वैसे इस ब्रीड के अंदर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कलर, भैया कौन सा कलर है ये जो कलर कहते हैं इसको फर्मेंटिनो कहते हैं, और ये जो कलर है ये ब्लू ब्रिंडल है, और ये वाला कलर कौन सा भैया? ये ब्लैक ब्रिंडल। भैया इसके अंदर तो कलर की बहुत छार सी हो गई है, क्या बात है। ब्लू फॉन, ब्लैक ग्रे, ब्लैक ब्रिंडल, ये कलर आते हैं। ओ भैया ये कलर भी यार, मतलब के अंदर कलर वगैरह भी लेना चाहे ना तो कलर वगैरह भी हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी। वैसे यार ब्रीड इतनी शानदार है ना, मैं तो कहता हूँ भाई हर बंदे को सारी छोड़ दो, केन कोर्सो पालो, केन कोर्सो रोला जमा देगा, रोला है भाई। क्या कह रहा है? मेरा मन करने लगा इसको ले जाने का। ले जाएगा? मस्त प्लान है भाई, तुझे ले जाएगा। मैं ले जाऊंगा। नहीं, ये तुझे ले जाएगा। तो बेसिकली राहुल भैया, आपके आज की वीडियो में बड़ा मजा आया, और देख के भी बड़ा मजा आया। इतनी शानदार शानदार ब्रीड आपने पाल रखी है भाई, हिम्मत, आपकी हिम्मत को है ना सैल्यूट है भैया, कि इतनी हिम्मत करके आपने ये ब्रीडें पाली है, जो देखने के लिए लोग है ना, क्या मतलब क्या ही कहूँ, कोई वर्ड नहीं है भैया। इतने प्यारे प्यारे, इतने टेम्परेमेंट के साथ, देखो एक तो वहाँ पे देखो भाई, वो अलग ही घूम रही है, वो कह रही है मुझे भाई घूमने दो। अच्छा उसका नाम क्या भैया? फ्रूटी। उसका नाम ये क्या, सोनपुरी वाली फ्रूटी है? ये सोनपुरी वाली फ्रूटी नहीं है भाई, ये सोनपुरी वाली। तो बहुत अच्छा भैया भी है एक, ये भैया के कैनल पे भैया के सभी डॉग्स की केयर टेकिंग करते हैं, मतलब प्रकाश भैया एक बात बताओ, केन कोर्सो देखने में कैसा मजा आता है इनको? बहुत मजा आता है। केयर करने में मेहनत लगती है भैया? बिल्कुल लगती है, है? मेहनत भी लगता है और मजा भी आता है इनके साथ में रहने के लिए, बहुत मजा आता है भैया। मतलब मजा ज्यादा आता है, मेहनत ज्यादा लगती है? मेहनत भी ज्यादा आए मतलब, और मजा ज्यादा आती है, मजा ज्यादा आता है। तो भाई भैया इनको पालने मेहनत से ज्यादा भैया को मजा आता है पालने में। खैर, हम कैसी लगी ब्रीड, कैसे लगे प्यारे डॉग्स देख के कमेंट करके बताना भाई, और सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा बताना भाई थॉर को देख के कैसा लगा, थॉर देख के बताओ यार।